तो गाइस हेलो दोस्तों, मैं रतन धाकड़ आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं बोया का BY-M1 माइक्रोफोन और हम इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इस चैनल पर करने वाले हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और क्योंकि ये हमारा अनबॉक्सिंग का रिलेटिव फर्स्ट वीडियो रहने वाला है और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के बाद लाइक कर लेना, क्योंकि मैंने यह माइक्रोफोन अपने YouTube चैनल के लिए मंगाया है और हम इसकी अनबॉक्सिंग हम आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और तो गाइज, अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ भी अच्छी अच्छी पोस्ट एंड वीडियो के रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइज चलिए अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो नहीं लुक, कहाँ से आते हैं? तो गाइस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस फाइनली बहुत दिनों के बाद हमारा पार्सल आ गया है और इसे हम अनबॉक्स करने वाले हैं। इसमें क्या है आप थंबनेल देख के तो आपने पता लगा ही लिया होगा। रुको जरा, सबर करो। इसमें आप क्या देखने वाले हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए गाइस, ये पार्सल है हमारा है और इस पर आपको रेट दिखा देता हूँ। 665 रुपये इसकी रेट है यहाँ पर आ रही है और ये आपको 700 तक आपको मिल जाएगा। और इसके चलिए अनबॉक्स करते हैं इसको, और यहाँ से इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर हमारा माइक्रोफोन निकलता है और ये हमारा बोया का M1i1 माइक्रोफोन जो हम अभी अगले आपने आने वाले अगले वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। और इस डब्बे को साइड में फेंक देते हैं और इसमें आपको बता देता हूँ अनबॉक्स करने से पहले, यह बोया का BY-M1 माइक्रोफोन है और आप देख सकते हो इसका डब्बा इस प्रकार का है और यहाँ पर पीछे डिटेल दे रखी है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है लेबलियर माइक्रोफोन और बोया का M1i1 माइक, ये सबसे बेस्ट माइक है और सभी यूट्यूबर इसे ही इस्तेमाल करते हैं, या चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और हमने भी यह मंगाया है। और चलिए गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से खोलते हैं, इसको यहाँ से खोलते हैं और इसको यहाँ से ओपन करते हैं और इसमें निकलता है एक पाउच जिस पर लिखा है बोया। ये हमारा पाउच है और ये आपका कैरिंग बैग है जिससे आप अपने माइक्रोफोन को कैर कर सकते हैं। इसको हम साइड में रखते हैं और फिर हमारा निकलता है माइक्रोफोन और अन्य एक्सेसरीज़। इसको हम ओपन कर लेते हैं अन्य एक्सेसरीज़ को, और इसमें आपको देखने को मिलेगा, इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से ओपन करते हैं और इसमें आपको इस माइक्रोफोन पर लगाने का पॉप फिल्टर मिलता है जिससे आपकी आवाज़ क्लियर बनी रहती है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, और इसको साइड में रखते हैं और फिर आपको यहाँ पर एक क्लिप मिलती है जिससे आप इस माइक्रोफोन को कॉलर पर अटैच कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको खोल के बता देता हूँ हैं, और एक आपको यहाँ पर इस कनेक्टर देखने को मिलेगा जिससे आप अपने इसको यहाँ से इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं इस माइक्रोफोन को, और अपने डेस्कटॉप पीसी में लगा सकते हैं। और इसके बाद में हम अपने माइक्रोफोन की तरफ आते हैं और इसकी वायर बहुत लंबी है, आप जितना चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है केबल की। और इसको हम असेंबल करते हैं और इस पॉप फिल्टर को इसके ऊपर लगाते हैं और इस क्लिप को यहाँ पर असेंबल करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेस कर देना है जिससे आप ये माइक आपका बनकर तैयार हो जाएगा और इससे आप यहाँ से इस प्रकार से लगा सकते हैं। और इसको हम ये आपका, और इसमें आपको एक सेल देखने को मिलेगा जिससे आप इसमें आप कैमरे पर इस्तेमाल करना चाहे तो इसको कैमरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह सेल यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको लगाने का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर यह से खुलता है और यहाँ पर यह सेल लगाने का ऑप्शन मिलता है आपको। यहाँ पर इस सेल को आप इस प्रकार से असेंबल कर सकते हैं। इस सेल को इस प्रकार से असेंबल कर सकते हैं। और तो गाइज आपको यहाँ पर दो मोड देखने को मिलेंगे, जो एक ऑफ और एक ऑन का मोड है, जिससे आप कैमरे पर चलाना चाहे तो इसको ऑन कर देना और स्मार्टफोन पर चलाना चाहे तो इसे ऑफ ही रहने देना, ताकि आपका स्मार्टफोन इसको सपोर्ट कर सके। और इसकी वायर की लेंथ बहुत लंबी है, आप बहुत दूर जाकर भी इसका वीडियो बना क्रिएट कर सकते हैं। और बस यही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये आपको स्टिकर देखने को मिलता है, और इसमें बोया के दो आपको स्टिकर देखने को मिलते हैं, जो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। और तो आपको यहाँ पर इसमें यूज़र मैनुअल मिलती है, जिसको कोई नहीं पढ़ता। और तो इसको साइड में अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो मैं बोया के BY-AMBER माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये हमारी बिना एडिट की हुई आवाज़ है, और मैं आपको अगली आवाज़ बिना माइक्रोफोन के आपको मैं सुनाने वाला हूँ कि बिना माइक्रोफोन के कितनी नॉइज़ आती है और माइक से कितनी कम नॉइज़ आपको देखने को मिलती हैं। और यह सबसे बेस्ट माइक है, और इसे सभी यूट्यूबर इसे इस्तेमाल करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, और बड़े बड़े क्रिएटर भी इसे अपने वीडियो को बनाने में इसे यूज़ में लेते हैं। तो गाइस हम बिना माइक्रोफोन की आवाज़ को मैं आपको सुना देता हूँ एक बार, तो सुनते हैं बिना माइक्रोफोन की आवाज़ को। तो गाइस जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मैंने बिना माइक्रोफोन के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसमें मैं कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगा रखा है। मैं अपने फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड इसको कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार की नॉइज़ आ रही है। और मैं आपको अभी हमारे बोया के BY-AMBER माइक्रोफोन की आवाज़ को रिकॉर्ड करके अच्छी तरीके से क्लियर करके मैं आपको अगली क्लिप में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम इस आवाज़ को, हमारी आवाज़ को इस प्रकार से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस जो आपने आवाज़ पहले सुनी थी वो हमने बोया के BY-AMBER माइक्रोफोन को, माइक्रोफोन की सहायता से हमने बिना एडिट की हुई वो आवाज़ मैंने आपको सुनाई थी। और जो आपने जस्ट आवाज़ सुनी वो मैंने अपने मोबाइल के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके मैंने आपको उस क्लिप में आपको वो सुनाई थी। और अब आप ये एडिट करी हुई वॉइस को सुन सकते हैं। हमारे वीडियो में अब इस प्रकार की वॉइस आपको देखने को मिलेगी, और हमारे सभी वीडियो में आने वाले इस प्रकार की नॉइज़ मिलेगी। और यह सबसे बेस्ट माइक है, और आप भी मंगवाना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। उस लिंक पर आप क्लिक करके इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इसे परचेज कर सकते हैं। नहीं लुक, कहाँ से आते हैं? और ऑफलाइन भी चाहे तो किसी स्टोर से ले सकते हैं। मुझे ऑफलाइन नहीं मिला था तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और तो गाइज हमारी आज की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो ऑन कर ले, ताकि हमारे आने वाले हर अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अभी तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ भी अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ और अपने वीडियो की रिलेटिव अपडेट देता रहता हूँ। और बिना किसी बकवास के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।